हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग यूपीआई के साथ रुपए क्रेडिट कार्ड कैसे जोड़ सकते हो। यूपीआई के साथ रुपए क्रेडिट कार्ड जोड़ने के लिए आपको पैसे फोन पे या गूगल पे में आना है। यहाँ पर आपको चेक बैलेंस में क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो मेरा नॉर्मली जो अकाउंट वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। नॉर्मली जो मेरा डेबिट कार्ड वो जुड़ा हुआ है। आपको प्रोफाइल वाला आइकन में जाना है। यहाँ पर नीचे आते ही आपको एक ऑप्शन मिलेंगे, लिंक रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद जिस भी बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड है वो बैंक आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आपको सर्च करके ढूंढ लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे कुछ ऑप्शन आएंगे। इस पेज में आप यहाँ पर क्रिएट, यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेंगे आपको बैंक सिलेक्ट करके, नीड यूपीआई आईडी टू लिंक बैंक, यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन में सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद एक यूपीआई आईडी आपको रेडी करना है क्रेडिट कार्ड के लिए। तो आप यूपीआई आईडी यहाँ पर एक बना लीजिए। आप आपके फोन नंबर से भी यूपीआई आईडी बना सकते हो। उसके बाद इसको सेव कर लेना है, ठीक है। सेव बटन में क्लिक करके आप इस यूपीआई आईडी को सेव कर लीजिए, जो बाद में आपको काम आएंगे। उसके बाद प्रोसीड टू ऐड बटन में क्लिक करना है। उसके बाद फाउंड एसबीआई क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर सेट यूपीआई पिन का एक ऑप्शन मिलेंगे आपको। आपका जो भी क्रेडिट कार्ड है उसका लास्ट 6 डिजिट डालना है और वैलिड कितने दिन तक वो कार्ड वैलिड है वो आपको कार्ड में मिल जाएंगे, वो आपको देके आपको प्रोसीड बटन में क्लिक करना है। उसके बाद आपके बैंक के द्वारा एक मैसेज भी भेजा जाएगा, आपके बैंक के द्वारा एक ओटीपी आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्रिएट यूपीआई पिन, आपको यूपीआई पिन क्रिएट करना है। कॉन्फर्म यूपीआई पिन में आपका पिन भी यहाँ पर आपको सेट कर लेना है। यूपीआई पिन सेट करने के बाद आपको यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है मेरा। उसके बाद यहाँ पर डन बटन में क्लिक करके आपकी पूरी प्रोसेस यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाएंगे। अब जब भी आप चेक बैलेंस में जाओगे आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन शो होंगे, जैसे एक क्रेडिट कार्ड का और एक डेबिट कार्ड का। तो ऐसे ही आपको यूपीआई के साथ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपको जोड़ना है बहुत आसान और इजी तरीके से। एंटर यूपीआई पिन में क्लिक करके, फेचिंग बैलेंस में क्लिक करके आप यहाँ पर आपका बैलेंस भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इस पेज में आने के बाद आप देख सकते हो चेक बैलेंस जब भी करोगे आपको दोनों बैलेंस यहाँ पर दिखाया जाएगा। जैसे अवेलेबल आपका बैलेंस कितना है वो आपको देखेंगे क्रेडिट कार्ड में, और आपका आउटस्टैंडिंग ड्यू कितना है बैंक के पास वो भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। दोनों दिखेंगे, आप दोनों में से वो इस्तेमाल कर सकते हो। ऊपर में क्यूआर कोड का ऑप्शन है, क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप यहाँ पर पेमेंट आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप अमाउंट लिख सकते हो, जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका क्यूआर कोड स्कैन करके अमाउंट लिख के प्रोसीड बटन में क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक दोनों दिखाई देगा, जैसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों दिखाएंगे। आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे पे में क्लिक करना है। तो आपके क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पिन यहाँ पर आपको देना है। यूपीआई पिन देने के बाद आपके क्रेडिट कार्ड से वो पैसा कट जाएंगे। तो ऐसे ही आप यूपीआई में आपका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो बहुत आसान और इजी तरीके से।